रविवार को पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा ग्रुप ए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सीसीटीवी कैमरे और कड़ी सुरक्षा के बीच पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा प्रथम पाली में 39 परीक्षा केंद्रों पर कुल 19,555 परीक्षार्थियों में से 17,700 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिए। 1854 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में 8 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,047 परीक्षार्थियों में से 3,559 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिए, जबकि 484 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधानाचार्य जुबली इंटर कॉलेज के आनंद प्रसाद यादव ने कहा, तकनीकी प्रवेश परीक्षा चल रही है, 500 कुल परीक्षार्थी हैं, 44 एब्सेंट हैं, 456 प्रेजेंट हैं। वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस वाले लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारा स्टाफ है। इस दौरान परीक्षा देके लौट रहे परीक्षार्थियों से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने अपना अनुभव कुछ इस तरह से बताया। कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, निकालने के ऊपर है कि आज पॉलिटेक्निक एग्जाम था, पेपर सारे सब ईडियम मीडियम में आए थे, सुरक्षा व्यवस्था एकदम सही था, सारे टीचर ध्यान दे रहे थे, सीट भरवा रहे थे आराम से, हम लोग एकदम मिजाज में हम लोग आंसर दे रहे थे, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं थी, हर चीज़ की सुविधा है। क्या इंतजाम था? ठीक है, यहाँ का व्यवस्था पर कैसा था? पेपर अच्छा हुआ है। कहाँ से आई हैं? सवाल आए तो किस तरह के सवाल थे? सवाल तो शॉर्ट में थे, कुल मिला के कैसा प्रश्न पत्र माना? आसान था कि कठिन था? आप बताइए। बहुत ही मतलब पेपर दे, मैंने पहली बार पेपर दिया, बहुत ही मज़ा आई पेपर देने में, और यही मैं कहना चाहता हूँ अच्छी तरीके से एग्जाम हुई। नकल ना हो पाए इसके लिए पूरी व्यवस्था चाक चौबंद थी, पूरी चाक चौबंद थी, पूरी ही व्यवस्था थी, नकल एक भी नहीं हुई, मतलब बच्चे नकल नहीं किए और मैं भी नकल नहीं किया, अच्छे से एग्जाम दिया और